hello students welcome back to cg board online classes so today we are going to start unit 5 travel so we have already done the introduction of this unit okay that uh, what is about uh, traveling and uh, what is itinerary then after we have to start in this video we are going to start section a childhood memories okay so childhood memories सो एक्चुअली इट इज रिटन बाय रबिन्द्रनाथ टैगोर ओके हु इज द राइटर ऑफ चाइल्डहुड मेमोरीज रबीन्द्र नाथ टैगोर सो वेरी फेमस वेरी फेमस राइटर ओके हुम जन गनमन सो जन गनमन जो कि फिफ्टी टू सेकेंड्स का सॉन्ग होता है ना जो नेशनल एंथम है हमारा सो इट इज रिटन बाय रबीद्रनाथ टैगोर सो ही वॉज बॉर्न इन एटीन सिक्सटी वन एंड डाइड इन नाइनटीन फोर्टी वन ओके रबिंद्र नाथ टैगोर और ये जो चाइल्डहुड मेमोरीज है इट इज एडॉप्टेड फ्रॉम कहाँ से ली गई है ये माई रेमिनिज ओके सो वॉट इज द मीनिंग ऑफ रेमिनि अट्टोरी टोल्ड अबाउट अ पास्ट इवेंट रिमेम्बर्ड बाय द नरेटर जो भी नरेटर है उसके जो पास्ट इवेंट के बारे में जो कोई स्टोरी है जो उसे याद हो ठीक है उसे हम क्या कहते हैं रेमेनेसेंस। तो ये जो चाइल्डहुड मेमोरीज है रविंद्रनाथ टैगोर के ही पास्ट लाइफ पास्ट इवेंट के बारे में है जो उन्हें याद था और जो उन्होंने लिखा है ओके सो तो ये उनकी जो ट्रैवलिंग थी जो उनकी ट्रिप थी उनके फादर के साथ उसके बारे में इस चाइल्डहुड मेमोरीज पे डिस्क्राइब किया गया है सो लेट्स अ लुक ऑन

ऑथर भी थे प्ले राइट भी थे मतलब प्लेस भी लिखते थे पोइट्री भी लिखते थे स्टोरीज भी लिखते थे पेंटर भी थे कंपोजर भी थे म्यूजिक एंड सॉन्ग्स भी कंपोज करते, करते थे करते थे एंड आइडियोलॉजिस्ट यूनिवर्सलिस्ट एंड एजुकेशनिस्ट और वो क्या थे आइडियोलॉजिस्ट यूनिवर्सलिस्ट एंड एजुकेशनिस्ट ही डिनाउंस्ड डिनाउंस्ड मीन्स publicly declare to be wrong or evil, है ना inform against, he denounced the British Raj, मतलब वो British Raj को पूरी तरीके से गलत बताते थे. set up शांति निकेतन and modernized Bengali art and literature, उन्होंने शांति निकेतन के स्थापना की and modernized Bengali art and literature को modernized किया, okay? Of his many writings गीतांजलि गोरा एंड गैरे बैरे आर द बेस्ट नोन ओके उनकी जो फेमस राइटिंग्स हैं, उनमें है गीतांजलि ओके okay? गोरा एंड गैरे बैरे आर द बेस्ट नोन ठीक है तो ये जो उनके फेमस वर्क्स हैं, और एक वर्क जो आपको पता ही है जनगण मन अवर नेशनल एंथम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ओके टू नो अबाउट दिस ओके सो दिस इज अबाउट द ऑथर रविन्द्र टैगोर क्शन ए चाइल्ड हुड मेमोरीज यस चाइल्ड हुड मेमोरीज बचपन की यादें मेमोरीज है न स्मृति इन दिस एक्स्ट्रैक्ट टैगोर राइट ऑफ हिस्स चाइल्डहुड इस जो एक्स्ट्रैक्ट है ये इसमें टैगोर अपने रविन्द्रनाथ टैगोर अपने चाइल्ड हुड अपने बचपन के बारे में लिखते हैं वेन ही वॉज अबाउट इलेवन ईयर्स होल्ड

डलहौजी तक के उनका जो डेस्टिनेशन डलहौजी था और बीच में जो उनका स्टॉप था वो कहाँ कहाँ था बोलपुर एंड अमृतसर दिस इज पार्ट ऑफ एन अकाउंट ऑफ दैट ट्रिप तो ये जो पूरी चाइल्डहुड मेमोरीज है ये उसी ट्रिप का जो अकाउंट उसी ट्रिप का एक पार्ट है ओके सो वी स्टार्ट नाउ शॉर्टली आफ्टर माई बर्थ माई फादर टुक टू कॉन्स्टेंटली ट्रेवलिंग अबाउट कि रविंद्रनाथ टैगोर बताते हैं कि मेरे पैदा होने के कुछ समय बाद ही माई फादर टुक टू कॉन्स्टेंटली ट्रैवलिंग अबाउट मेरे फादर क्या किया करते थे मतलब कॉन्स्टेंटली एक के बाद उनकी जो ट्रैवलिंग है वो चलती रहती थी ट्रैवलिंग ही किया करते थे ही वुड नाउ एंड देन कम बैक होम ऑल ऑफ अ सडन विथ हिम केम सम फॉरन सर्वेंट्स विथ होम आई फेल्ट एक्सट्रीमली ईगर टू मेक फ्रेंड्स

वो भी आया करते थे विद हुम आई फेल्ट एक्सट्रीमली ईगर जिनके साथ रविंद्रनाथ टैगोर बहुत ही क्या है उत्सुक महसूस करते थे एक्सट्रीमली ईगर टू मेक फ्रेंड्स कि उनके साथ वो क्या करना चाहते थे दोस्ती करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड रहते थे एगर रहते थे उत्सुक वंस देयरCame अ यंग पंजाबी सर्वेंट नेम्ड लैनू एक बार उनके साथ कौन आया एक यंग पंजाबी सर्वेंट आया जिसका नाम था लैलू और एक्चुअल में वो भी क्या था वो भी फॉरेनर ही था बट वो कौन सी कास्ट का था पंजाबी था द कॉरडियलिटी ही गॉट फ्रॉम अस वुड हैव बीन वर्थी ऑफ रंजीत सिंह हिमसेल्फ कॉरडियलिटी मींस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बीइंग फ्रेंडली ठीक है कि जो उसने फ्रेंडली नेचर जो हमसे मिला था उसे

टू बूट मीन्स एन अदर वे ऑफ सेंग ऑन टॉप ऑफ दैट मतलब उन पंजाबियों में भी वो क्या था उनसे भी ऊंचा बिल्कुल पंजाबियों की तरह ही वो था फॉरेनर होते हुए भी वॉट वंडर ही स्टोल अवर हर्ट्स अवे कि बिल्कुल भी उसने इस तरीके से था वो कि ही वॉट वंडर मतलब कि आश्चर्यचकित तरीके से उन्होंने उसने हमारा दिल चुरा लिया था मीस तो उसने सभी का दिल जीत लिया था तो ये लेनु के बारे में बताया जा रहा है ठीक है ऐसा रविंद्रनाथ टैगोर उस पंजाबी सर्वेंट वो जो पंजाबी फॉरेनर सर्वेंट था उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं नाउ वी द सेम रेवरेंस फॉर द होल पंजाबी नेशन एज फॉर भीमा एंड अर्जुना ऑफ द महाभारत ठीक है सो so, यहाँ पर रबिंद्राथ टैगोर कहते हैं कि वी हैड द सेम रेवरेंस फॉर द होल पंजाबी नेशन रेवरेंस मीन्स रेस्पेक्ट है ना डीप रेस्पेक्ट सो हमारे मन में जो होल पंजाबी नेशन है उनके लिए भी क्या है उतना ही डीप रेस्पेक्ट है जितना हमारे लिए हमारे जो महाभारत के भीम और अर्जुन के लिए है वर वॉरियर्स एंड इफ देस लॉस्ट दैट वॉज क्लियरली द एनिमीज फॉल्ट वे क्या थे वे योद्धा थे और अगे अगर वो कभी हार भी गए ठीक है इफ दे समटाइम्स लॉस्ट दैट वाज क्लियरली द एनिमीज फॉल्ट तो ये तो पक्का मतलब एनिमीज का ही फॉल्ट था तभी वो हारे ओके सो so, उनकी प्रशंसा में कहा जा रहा है कि दे वर वॉरियर्स केस्ड इन द हाउस एज वी वर केस्ड इन द हाउस मतलब जिस तरीके से हम हाउस में रहते थे, बंद रहते थे तो so, कोई भी चीज जो कि फॉरेन पार्ट्स जिसमें कि एक फॉरेन फॉरेन सेवरिंग मीन्स होता है टेस्ट ऑफ और सीम्ड लाइक जो भी चीज हमें फॉरेन पार्ट्स के जैसे दिखती हो या जिसमें फॉरेन टच हो उसके लिए हमारे मन में क्या था एक अलग ही एक इम्पोर्टेंट सा पिकुलर चाम था उसके लिए एक अलग सा इंटरेस्ट था क्योंकि हम घर पे ही रहते थे तो जब भी कोई आता था कोई फॉरेन टच कुछ इस चीज में दिखाई देता था तो उसके लिए हम बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं अट्रैक्टेड रहते हैं ना कि स्पेशल कोई पर्टिकुलर डिफरेंट टाइप का हमारे मन में क्या आ जाता है चाम आ जाता है उस चीज के लिए दिस वॉज ऑल्सो द रीजन जीव विथ हिज एम्ब्रॉयड्रेड गैबरडीन सो दिस वॉज ऑल्सो द रीजन अब यहाँ पर दिस वॉज ऑल्सो द रीजन यहां से जो नेक्स्ट जो उनका वो हैट उसके बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है ठीक है दिस वॉज ऑल्सो द रीजन वाई गैब्रियल द जीव वो जीव था विथ हिज एम्ब्रॉयड्रेड कि उसके जो कढ़ाई वाला जो कुर्ता था लॉन्ग कोट था है ना गैबरडीन आया था क्या बेचने एटर होता है जो परफ्यूम होते हैं सेंट्स है, होते हैं ठीक है ना परफ्यूम या एसेंशियल ऑयल होते हैं उसे बेचने के लिए आया था स्टाइड मीसो कि उसने क्या कर दिया था बिल्कुल हमें कर दिया था हिला दिया था मतलब उसने भी हमारे दिल को प्रभावित किया था इस तरीके से उसके बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है एंड द ह्यूज काबुलिस विथ डस्टी बैगी ट्राउजर्स। अब यहाँ पर नेक्स्ट बताया जा रहा है काबुलिस के बारे में काबुलिस मतलब जो आपके फ्रॉम और रिलेटेड टू द अफगान अफगान सिटी ऑफ काबुल जो काबुल की अफगान सिटी होती है है ना वहां के जो लोग होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं काबुलिस कहते हैं काबुल के लोग काबुलिस अफगानिस्तानी ओके विद डस्टी तो वो कैसे आते हैं उनके बैग्स कैसे रहते हैं डस्टी ट्राउजर्स उनके डस्टी होते हैं एंड नेपसे एंड बंडल्स नेपसे मीन्स होता है जो बैग्स होते हैं ना जो सोल्जर्स के बैग्स होते हैं जिसमें शोल्डर स्ट्रिप्स लगे होते हैं स्ट्रैप्स लगे होते हैं जो पीछे बहुत बड़े से बैग वो लटकाए है रहते हैं बंडल्स है नॉथ ऑन माई इमेजिनेशन अ फियरफुल फैसिनेशन रोथ मीनस होता है कि बीटन आउट और शेप्ड ठीक है वो बिल्कुल मेरी इमेजिनेशन uh, को क्या कर देते हैं एक फियरफुल फैसिनेशन फियरफुल इंटरेस्ट इमेंस इंटरेस्ट इंटेंस इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं कि मतलब उसके इमेजिनेशन को पूरा ही रोथ कर देते हैं मीन्स शेप अप कर देते हैं क्लियर तो इस टाइप से जो रविंद्रनाथ टैगोर है वो इमेजिन करते हैं कि उनके बारे में डिस्क्राइब करते हैं अलग अलग जो फॉरेन सर्वेंट्स थे ओके नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ यस वन डे आई वॉज समू माई फादर एक स्टेयर्स टू माई फादर हाउ वुड आई लाइक टू गो विम टू दिमालय एक दिन मेरे फादर ने जब मुझसे पूछा है ना कि मुझे ऑर्डर दिया कि कैसा होगा अगर मैं उनके साथ कहाँ जाऊँ हिमालया में जाऊँ आप अवे फ्रॉम द स्कूल एंड ऑफ टू द हिमालयास वुड आई लाइक इट कि मुझसे पूछा गया कि स्कूल से दूर और कहा हिमालयास में क्या तुम जाना चाहोगे इस तरीके से उसके फादर ने ऑर्डर दिया या पूछा इस तरीके से पूछाया गया उरसे.

इस तरीके से आसमान को भी फाड़ सकता हूँ माइट हैव गिवन एन ऑफ द हाउ कि उस जो फीलिंग ने मुझे क्या आइडिया दिया मतलब माइट हैव गिवन द द ऑफ हाउ हाउ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ठीक है कि वाओ कितना अच्छा होगा इस तरीके से उसके मन में क्या आई फीलिंग आई अवर फर्स्ट हॉल्ट वॉज टू बिफोर अ फ्यू डेज एट बोलपुर ठीक है जो हमारा फर्स्ट हॉल्ट था जहां हमें रुकना था पहले हम कहा रुकना था हमें बोलपुर में माय कजन सत्या जो उसका कजन था सत्या नाम था जिसका है टोल्ड अस दैट गेटिंग इनटू अ रेलवे कैरेज वाज अ डेंजरस अफेयर द लीस्ट स्लिप एंड इट वाज ऑल अप कि जो मेरा कजन था सत्या उसने कहा था कि जो रेलवे कैरेज होता है जो रेलवे कैरेज होता है जिसमें हम बैठ के ठीक है रेलवे कंपार्टमेंट के लिए जाते हैं तो वो उसपे बैठना एक बहुत ही डेंजरस थिंग थी किस टाइप से डेंजरस था वो द लिस्ट स्लिप कि अगर हम थोड़ा भी चुके स्लिप हुए एंड इट वॉज ऑल अप मतलब पूरा सब कुछ खत्म हम बिल्कुल क्या हो जाएंगे कि अगर थोड़ा भी हम हिले डुले उसमें बैठे हैं तो मतलब वो कैरेज में जाना और रेलवे कंपार्टमेंट पे एंट्री करना उसके पहले रेलवे कैरेज में बैठना पड़ता है तो वो बहुत ही क्या होता है डेंजरस होता है रिस्की होता है देन वन हैड टू होल्ड ऑन टू हिज सीट विथ ऑल हिज माइट कि ये कह रहा है कि, कि एकदम एक अपने बिल्कुल क्या बोलना चाहिए अलर्टनेस के साथ बैठना पड़ता है अदरवाइज द जोल्ट वॉज सो ट्रामेंडेस दैट वन गेट थ्रोन ऑफ कि जो जोल्ट होता है जोल्ट मीन्स पुश और शेक कि इतना जोर से धक्का लगता है जब हम उसमें बैठते हैं कि इट वॉज वन कुड गेट थ्रोन ऑफ कि कोई भी व्यक्ति अगर उसमें बैठा है कि वो इतना जो ट्रेमेंडस मतलब इतना बड़ा सा झटका लगता है कि वो सीधे के सीधे बाहर फेंका जाएगा ओके okay? गिर जाएगा देयर फॉर वन वेन वी गोट टू द स्टेशन आई वॉज ऑल एक्वायर कि अब वो कहते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर कि वेन

और मैं ऐसा सोच रहा था कि अभी भी कुछ बुरा होने वाला है क्योंकि उसके फ्रेंड उसके जो कज़न था सत्या उसने कहा था कि जो रेलवे कैरेज पे बैठना ही बहुत ही क्या एक डेंजरस टास्क था डेंजरस अफेयर था ठीक है बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है ना बट वो पूरे टाइम कैसे थे ट्रैवलिंग थे एक्वाइवर थे कि कुछ होने वाला है लाइक दैट वेन वी मेड एन एब्सर्डली स्मूथ स्टार्ट विदाउट एनी सेम्बलेंस ऑफ एडवेंचर आई फेल्ट वो फुली कि डिसन वी मेड एन अपसर्डली अपसर्डली मीन्स कि बिल्कुल वो नॉर्मल तरीके से अपसर्डली सरप्राइजिंगली एकदम स्मूथ स्टार्ट हुआ उनका कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई और वो इज़िली क्या विदाउट एनी सेम्बलेंस, सेम्बलेंस मीन्स कि सीमिंग टू एग्जिस्ट ठीक है कि कोई भी चीज में ऐसा लग रहा है कि कि कोई adventure होने वाला वाला है 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 ना ऐसा दिखने वाला है, actual में तो adventure नहीं हुआ कि seeming appearance होना ठीक है बट वो एक्चुअल में वो चीज ना होना दैट इज कॉल्ड योर सैम्बलेंस व्हेन वी मेड एन एब्सर्डली स्मूथ स्टार्ट विदाउट एनी सैम्बलेंस ऑफ एडवेंचर कि जब हम इजिली या yeah, सरप्राइजिंगली स्मूथली स्टार्ट किए मतलब कोई भी हमारे पास एडवेंचर नहीं आया और ऐसा लग रहा था कि एडवेंचर होगा आई फेल्ट वो फुली डिसंटेड कि मैं बिल्कुल भी बैडली बुरी तरीके से मैं क्या हो गया निराश हो गया वो फुली डिसअपॉइंट हो गया ओके okay? क्योंकि वो तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ एडवेंचर होने वाला है नाओ नेक्स्ट इज द ट्रेन स्पेडअप द ट्रेन स्पेड ऑन ट्रेन की स्पीड बढ़ी ट्रेन चलने स्टार्ट की ब्रॉड फील्ड विदर ब्लू ग्रीन बॉर्डर ट्रीज एंडलिंग अवे लाइक ऑफ मेरे ओके सो द ट्रेन इज स्पेड ऑन ट्रेन बढ़ी जो ब्रॉड फील्ड थे जो बहुत बड़े बड़े छोड़े छोड़े खेत थे विदर ब्लू ग्रीन बॉर्डर ट्रीज तो उनके जो हरे नीले ट्री थे जो ट्रीज थे बॉर्डर में एंड द विलेजेस और जो गांव थे नेस्टलिंग नेस्टलिंग मींस अ यंग बर्ड दैट हैज नॉट लेफ्ट द नेस्ट की नेस्टलिंग इन देयर शेड फ्लू शेड फ्लू पास्ट इन अ स्ट्रीम ऑफ पिक्चर्स कि नेस्टलिंग मींस होता है अ यंग बर्ड दैट इज नॉट लेफ्ट द नेस्ट तो ये जो सारी चीजें थी इन देयर शेड उनकी जो छांव में इन जो पेड़ों की छाव में जो यंग बर्ड्स थे है ना फ्लू पासड इन स्ट्रीम ऑफ पिक्चर्स वो कैसे पास होते जा रहे थे जब हम ट्रेन में चलते हैं तो ये सारी चीजें कैसे होती है पूरे गांव, ट्रीज पक्षी ये सब हमें जब नजर आते हैं तो वो एक बिल्कुल एक नहर की तरह एक स्ट्रीम की तरह एक धारा की तरह हमारी नजरों के सामने से एक पिक्चर की तरह जाते जाते और हमारी ट्रेन आगे मूव होती जाती है सो इट इज डिस्क्राइबिंग दैट मेरेज like so, क्या होता है एक ऑप्टिकल फिनोमिना होता है ठीक है नैचुर ऑकरिंग ऑप्टिकल फिनोमिना जिसमें आपने साइंस में पढ़ा होगा कि एक मृग की पिक्चर बनती है पानी में ठीक है बट एक्चुअल में वो एग्जिस्ट नहीं करता और वो गायब हो जाती है वो पिक्चर तो जिसे हम मिरेज कहते हैं तो वैसे ही वो मेल्टेड अवे वैसे ही वो क्या होते जा रही थी ओझल होते जा रही थी वो तो इस तरीके से ये सारी चीजें दिखाई दे रही थी जब हम ट्रेन से वो जा रहे थे जब ट्रेन स्पीड से चल रही थी इट वॉज इवनिंग वेन वी रीच बोलपुर अब ये शाम का समय था जब वो बोलपुर पहुंचे ऐसा ही गॉड इन टू द पालन क्वीन ठीक है अब वो जैस कहां बैठे पालंकिन क्या होता है आपका ए स्मॉल कैरेज फॉर वन पर्सन कैरीड बाय फोर और सिक्स पीपल ऑन देयर शोल्डर्स एक स्मॉल सा कैरेज होता है एक पर्सन को ले जाने के लिए आपने देखा होगा माउंटेन एरियाज में जैसे हिमालय में जा रहे हैं वो तो उसमें और बाकी चार से छह लोग अपने शोल्डर पे पालकी देखी होगी उसमें उठाकर उसे ले जाते हैं सो so, उसी में वो बैठे एज ए गॉड इन टू द पालंकिन आई क्लोज माई आईज मैंने अपनी आंखों को बंद कर लिया टू प्रिजर्व द होल ऑफ द वरफुलजन जो एक वंडरफुल विजन था जो इतना आश्चर्यजनक इतना सुंदर दृश्य था मेरी आंखों के सामने उसको प्रिजर्व करने के लिए उसको कि वो मेरी आंखों में बसा रहे इस तरीके से मैंने अपनी आंखों को बंद कर लिया बिफोर माई वेकिंग आईज इन द मॉर्निंग लाइट कि मेरी आंखें सुबह उठे और जागे ठीक है मॉर्निंग लाइट में इसके पहले कि मैं अपनी आंखों को बंद कर लू और ये जो सारा सा खूबसूरत सा दृश्य है उसे क्या कर लू अपनी आंखों में प्रिजर्व कर लू सुरक्षित करके रख लू बसा लू ओके सो नाउ नेक्स्ट यस सो इस तरीके से रविंद्रनाथ टैगोर अपनी पूरी जर्नी को जो जो उन्होंने फील किया एक्सपीरियंस अपना शेयर करते जा रहे हैं दो आई वॉज अ मेयर चाइल्ड माई फादर डिड नॉट प्लेस एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन माई वॉन्डरिंग ठीक है अब वो कहते हैं कि यद्यपि मैं एक छोटा बच्चा था इलेवन ईयर्स ओल्ड थे बट मेरे फादर ने कभी भी मुझ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया मेरे घूमने फिरने पर कि वो वॉन्ड्रिंग कर रहे थे इन द होलोज ऑफ द सैंडी सॉइल ठीक है वो हॉलो जो भी गड्ढे थे सैंडी सॉइल के उसमें द रेन वाटर हैड प्लव

ठीक है, डीप फरोस मतलब होता है गड्ढे ट्रेंचेस डीप ट्रेंचेस उसने प्लफ कर दिए थे ताकि उसमें क्या होते हैं फरोस किस लिए बनाए जाते हैं ताकि उसमें हम बीज बो सके और क्रॉपिंग कर सके ओके सो कार्विंग आउट मिनिएचर माउंटेन रेंजेस सो ऐसे गड्ढे वो कैसे बन रहे थे कि अंदर से उसका जो मटेरियल है वो कार्विंग आउट निकल के बाहर आ रहा है कहां से मिनिएचर माउंटेन रेंजेस जो छोटी जो माउंटेन रेंज होती थी है ना माउंटेन की रेंज होती है ठीक है तो उन छोटी माउंटेन रेंजेस से उसकी मिट्टी को अगर खोद दिया जाए तो वहां पर क्या बन जाएंगे डीप फरोज डीप गड्ढे बन जाएंगे ठीक है और रेन वाटर ने वहां पर क्या कर दी थी प्लफिंग कर दी थी ठीक है कहा इन द हॉलो ऑफ द सैंडी सॉइल नाउ और जो माउंटेन रेंजेस थी दैट वॉज फुल ऑफ वो किससे भरी हुई थी फुल ऑफ रेड ग्रेवल लाल कलर के जो पत्थर होते हैं पेबल्स होते हैं ऑफ वेरियस शेप्स अलग अलग शेप्स के बहुत सारे जो वहां पर पेबल्स थे ग्रेवल थे थ्रू विच रेन टाइनी स्ट्रीम्स और जिनके बीच से जिनसे थ्रू जिनके थ्रू कहाँ आ रही थी क्या चीज आ रही थी टाइनी स्ट्रीम्स मतलब जो स्ट्रीम मतलब पानी की धारा दौड़ती हूँ उनसे निकल रही थी रिविलिंग द जोग्राफी ऑफ लिलीपुट वट इज लिलीपुट तो वो ये चीज दिखा रही थी लिलीपुट की जोग्राफी को प्रदर्शित कर रही थी रिवील कर रही थी सो लिली पुट आपका इमेजिनेशन में एग्जिस्ट करता है ओके सो लिलीपुट इज अ प्लेस दैट एग्जिस्ट ओनली इन इमेजिनेशन और ये एक बहुत ही ब्यूटिफुल प्लेस होता है एक फिक्शनल आइलैंड है ठीक है जो इमेजिनेशन में है एक्चुअल में ऐसी कोई जगह नहीं होती है सो so, जहाँ पर आपने सुना होगा गुलीवर की स्टोरी के बारे में तो उसमें जो छोटे लोग रहते थे तो उसे ही क्या कहा जाता है लिलीपुट ठीक है उस स्टोरी में लिलीपुट का मेंशन है तो जिस तरीके से उस लिलीपुट की ज्योग्राफी थी उसी ज्योग्राफी को उसी स्ट्रक्चर को शो करते हुए इस पूरे जो दृश्य सीन है उसको रिप्रेजेंट किया गया फ्रॉम दिस रीजन आई वुड गैदर मेनी क्यूरियस पीसेस ऑफ स्टोन और यहां से मैंने बहुत सारे एकदम क्यूरियस पीसेस ऑफ स्टोन कलेक्ट किए रविंद्रनाथ टैगोर यहाँ से बहुत सुंदर सुंदर जो भी उन्हें पसंद है अलग अलग डिफरेंट शेप्स के स्टोन कलेक्ट किए एंड टेक द कलेक्शन टू माई फादर और पूरे कलेक्शन को कहा लेके वो अपने फादर को दिखाए ही नेवर मेड लाइट ऑफ लेबर्स उन्होंने कभी भी रविंद्रनाथ टैगोर के फादर ने कभी भी उनकी जो लेबर है उनकी मेहनत है उनको कभी भी लाइटली नहीं लिया

और खुश होते थे और उसके जो लेबर था उसकी मेहनत थी उसकी वो प्रशंसा करते थे और एक्साइटेड होते थे। Now, how wonderful, he exclaimed, अब यहां पर रविंद्रनाथ टैगोर के फादर बोलते वाओ ही एक्सक्लेम्ड वेर एवर डिड यू गेट ऑल दिस कि कहाँ से तुम्हें ये सारी चीजें मिले देर आर मेनी मोर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स तो रविंद्रनाथ टैगोर चिल्ला के बोलते आई बस्ट आउट देर आर मेनी मोर कि बहुत सारे हैं वहां तो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स आई कुड ब्रिंग एज एवरी चाहू उतना तो ठीक है रोज ला सकता सो हियर दैट वुड बी नाइस उनके फादर रिप्लाई करते रविन्द्रनाथ टैगोर के ये तो बहुत अच्छी बात होगी ही रिप्लाइड वाई नॉट डेकोरेट माई लिटिल हिल विद दम तो मेरी जो छोटी सी हिल है उसे डेकोरेट क्यों नहीं करते ठीक है अब यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर के फादर किस हिल के बारे में बात कर रहे हैं कौन सी छोटी सी हिल को डेकोरेट करने की बात कर रहे हैं नाउ एन अटेम्प्ट एन हैड बीन मेड टू डिग टैंक इन द गार्डन कि अब गार्डन में गड्ढा खोदने के लिए तैयारी की गई ठीक है बट द सब सॉइल वॉटर प्रूविंग

जब वहां पर गार्डन में गड्ढा खोदा गया तो अब उसे कैसा छोड़ दिया गया इट द एक्सकेवेटेड अर्थ एक्सकेवेटेड मीन्स कि वहां पर एक गड्ढा बनाया गया ओके या चैनल बनाई गई बाय डिगिंग खोद कर अर्थ को पाइल्ड अप और उसके बाद उसको पाइल्ड अप कर दिया गया मतलब उसका ढेर बना दिया गया जो भी मिट्टी खोद के निकाली गई थी पाइल्ड अप इंटू अ हिलॉक हिलॉक मीन्स होता है हिलक ओके नॉट हिलॉक इट्स हिलक हिलक मींस होता है अ स्मॉल हिल ठीक है कि एक स्मॉल हिल सा बना के किस छोटी सी पहाड़ी सा बना के उसे छोड़ दिया गया ठीक है तो इस तरीके का अरेंजमेंट था ऑन द टॉप ऑफ दिस हाइट और इसी के टॉप टॉप में उस हाइट के टॉप पर उसके फादर क्या करते थे यूज टू सिट फॉर हिज मॉर्निंग प्रेयर वो अपनी मॉर्निंग प्रेयर के लिए वहां पर बैठा करते थे एंड एज ही सेट और जैसे ही वो बैठते थे द सन वुड राइज एट द द एज ऑफ दूलेटिंग एक्सपेंस विच स्ट्रेस्ड अवे इन फ्रंट ऑफ हिम और जैसे ही वो बैठते थे जो सन था वो राइज होता था हैविंग अ स्मूथली राइजिंग एंड फॉलिंग और आउटलाइन ठीक है अनडिंग हैविंग अ स्मूथली राइजिंग एंड फॉलिंग और आउटलाइन ठीक है जो ऐसी आउटलाइन बनाते हुए ठीक है अंड एज ऑफ द अंडलेटिंग एक्सपेंस जो सनराइज होता था कि वो आउटलाइन बनाते हुए राइजिंग और फॉलिंग की एक्सपेंस पे कि बिल्कुल उसके विस्तार से विच स्ट्रेच्ड अवे इन फ्रंट ऑफ हिम और उसके सामने वो स्ट्रेचिंग उसके सामने फैल जाती थी उसकी जो सन थी उनके सामने इन फ्रंट ऑफ हिम दिस वॉज द हिल ही आस्ट मी टू डेकोरेट और ये वही हिल थी जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर के फादर ने उन्हें कहा था कि तुम इसे कर दो वो जो बहुत सारे पत्थर कलेक्ट करके लाए थे उन पत्थरों से ओके इन वन ऑफ द रेवनीज आई केम अपॉन ए स्प्रिंग वॉटर पूल विच ओवर फ्लोड एज ए लिटिल रेविट हियर आई सा टी फिश बैटलिंग देयर वेन्ट रॉर्ज मीन वैली वैली विदीप साइट नुकीले किनारो वाली जो एक वैली थी आई केम अपॉन ए स्प्रिंग वॉटर पुल की मैं किसके पास आया स्प्रिंग वॉटर पुल के पास Which जो स्ट्रीम है उस तरीके से वहां से ओवरफ्लो होकर वो बह रहा था स्प्रिंग स्प्रिंग वाटर हियर आई सॉ टाइनी फिश जहां उसने देखा कि छोटी छोटी जो मछलियां थी वो बैटलिंग दियर वे ऑफ द करेंट वो उस जो धारा थी जो स्ट्रीम थी उसमें अपना वो स्विमिंग करते हुए अपना रास्ता बनाते हुए वो क्या कर रही थी जा रही थी ओके बैटलिंग देयर वे अपना रास्ता ढूंढ रही थी सो लुक यहाँ पर ये रबीन्द्रनाथ टैगोर दिखाया जा रहा है ठीक है दिखा रहे हैं कि वो यहाँ पर फिश और वो स्प्रिंग वाटर पुल जिसे हम क्या कहते हैं स्मॉल स्ट्रीम को हम कहते हैं रिव्यट ओके सो so, रिव्य के पास रिव्यलेट से वो ये देख रहे हैं कि स्मॉल टाइनी फिशेस है यहाँ पर ओके सो नाउ नेक्स्ट अब उन्हें एक वाटर पूल तो मिल गया ठीक है एक स्प्रिंग मिल गई उन्हें स्प्रिंग स्ट्रीम मिल गई नाउ दैट्स ऑल फॉर टू डेज वीडियो अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि वो किस तरीके से आगे वो क्या करते हैं और उनकी ट्रैवलिंग कितनी इंटरेस्टिंग होती है कितनी कितनी इंथ्यूजियास्टिक होती है सो वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर Watching and keep watching, keep learning, keep understanding. Thank you.